फ्रेंड्स ऑफ सुपरसोनिक, तो कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, डीसी फैंडम इवेंट में रिलीज हुए ट्रेलर्स में से एक वंडर वुमन 1984 के ट्रेलर को तो आपने देख लिया होगा, जो कि अब हिंदी में भी आ चुका है। और दोस्तों, इस ट्रेलर में हमें काफी नए सीन्स देखने को मिले, जिनमें से फाइनली मूवी के विलन चीता का भी फर्स्ट लुक रिवील कर दिया गया है। और इसलिए दोस्तों, हम आज की वीडियो में वंडर वुमन 1984 मूवी के ट्रेलर का ब्रेकडाउन करने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जतिन, आप देख रहे हैं सुपरसोनिक। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, ट्रेलर की शुरुआत होती है और सबसे पहले हमें दिखाया जाता है कि थेमिस्कैरा में ओलंपिक चल रहे हैं, जिनमें से यंग डायना ने भी उन गेम्स में पार्ट लिया होता है। और बैकग्राउंड में डायना की मदर यानी कि हिप्पोलिता डायना की पावर्स के बारे में बात कर रही होती हैं, जिसमें कि वो डायना को ये बताती हैं कि भी उसकी पावर्स के लिए दुनिया तैयार नहीं है, जिससे कि ये पता चलता है कि डायना के पास अपनी टीनेज के अकॉर्डिंग जीएस दे रहे हैं, जो कि वंडर वुमन के फादर हैं। इसके बाद डीसी की हर मूवी की तरह हमें जिससे कि सबसे पहले उसने अपनी विशेष को पूरा किया होगा, और अब जैसा कि वो बाकी लोगों की विशेष को भी पूरा करने के लिए कह रहा है, और अगर मूवी में ऐसा होता है तो वंडर वुमन के लिए काफी बड़ी मुश्किलें आने वाली हैं। और अगले सीन में हमें सभी लोग मैक्सवेल लॉर्ड की न्यूज की तरफ अट्रैक्ट होते दिखाई दे रहे हैं, और अगर आपने नोटिस किया हो तो हमें इस सीन में 80s की टेक्नोलॉजी और 80s का फैशन भी देखने को मिलता है। और अगले सीन को देखकर ऐसा लग रहा है कि बारबरा भी बाकी लोगों की तरह मैक्सवेल की न्यूज की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। और फिर हमें स्टीव का ये पता चल गया था कि बारबरा और डायना दोनों पहले दोस्त होती हैं और साथ में काम करती हैं, जिसका मतलब दोस्तों बारबरा भी एक आर्कियोलॉजिस्ट है। और फिर आता है ये सीन जिसमें कि डायना एक लैब में होती है और बारबरा वहां पर उससे मिलने आती है। और इस सीन को देखकर ऐसा लग रहा है कि बारबरा इस सीन में डायना से पहली बार मिल रही है, और बारबरा इस लैब में शायद एक जॉब की तलाश में आई है। और इसके बाद हमें वंडर वुमन का लैसो एक्शन सीन दिखाया जाता है, और फिर इसी जगह और नेक्स्ट सीन को देखकर ऐसा लग रहा है कि बारबरा इस सीन में पहली बार अपनी पावर्स का यूज कर रही है, इतने कि वो किसी को एक ट्रक पर दे मारती हैं, और बारबरा काफी कंफ्यूज दिखाई देती है क्योंकि उसे अपनी पावर्स पहली बार फील हुई हैं। नेक्स्ट सीन में और ये सब तब हुआ होगा जिसमें कि उसे फुल चीता फॉर्म में दिखाया गया है, और वंडर वुमन अपने न्यू आर्मर की मदद से चीता पर भारी पड़ रही है, और वंडर वुमन अपने न्यू आर्मर की मदद से उड़ भी सकती हैं, जो कि हम इस पोस्टर में भी देख सकते हैं। और ये वाला पोस्टर काफी अच्छा ईस्टर है मैन ऑफ स्टील के इस पोस्टर का। तो अब बात करते हैं चीता के बारे में कि आखिर बारबरा फुल चीता फॉर्म में कैसे आई होगी। तो दोस्तों, इसकी दो वजह हो सकती हैं। पहली, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वो मैक्सवेल लॉर्ड से अपनी सेकंड विश को मांगकर फुल चीता फॉर्म में आई होगी, सेकंड जिसमें कि बारबरा कॉमिक्स की तरह मून के। तो ये थी वंडर वुमन 1984 मूवी के ट्रेलर का ब्रेकडाउन। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर।